Assalamu alaikum, Wasim Ali Advocate here. In this video, I am going to talk about another rent case जिसमें ejectment के लिए ये case file हुआ था. हुआ या कि tenant और landlord का agreement हुआ और tenant ने घर में रहना शुरू कर दिया. एक मकान था, 120 गज का मकान था और वो उसने किराए पे tenant उसमें रहना शुरू कर दिया. तो कुछ अरसे के बाद landlord ने एक case file किया कि मेरे टेनेंट को निकाला जाए इस घर से, टेनेंसी एग्रीमेंट ख़त्म करके एविक्शन दी जाए और टेनेंट को उसमें से इजेक्ट किया जाए. मीन्स सिंपल वर्ड्स में मेरे किराएदार को मेरे घर से निकाला जाए ऑन द ग्राउंड. उसने मेरे घर के छत पे एक कमरा बना लिया है विदाउट माय परमिशन, विच इज़ इलीगल. उसको कोई हक नहीं है कि वो मेरे घर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन करे. इस पर फिर नोटिस इशू हुए और टेनेंट कोर्ट में आए और उन्होंने कोई रिटर्न में तो आंसर नहीं, जवाब नहीं दिया. बस उन्होंने यही कहा कि नहीं, मैंने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की. बट द लैंडलॉर्ड ने शायद देखा हुआ था कि वो कमरा बना हुआ छत के ऊपर. तो उस पर फिर द कोर्ट अपॉइंटेड नाजर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड को उसकी फिर कॉस्ट देनी पड़ी नाजर की. क्योंकि जब भी कोर्ट नाजर अपॉइंट करती है, नाजर की एक कॉस्ट होती है जो कि उसकी सर्विसेज होती हैं. यानी वो नाजर साहब ने वहाँ जा कर उस घर पे इंस्पेक्शन करनी थी और रिपोर्ट देनी थी कि इधर दी लैंडलॉर्ड इज़ टेलिंग ट्रूथ और लाई. द नाजर वाज अपॉइंटेड और नाजर विजिटेड द डिमाइस प्रीमिसेस. अब डिमाइस प्रीमिसेस हम यूज़ करते हैं इसमें वो घर या फ्लैट या बैंगलो या ऑफिस विच हैज़ बिन रेंटेड आउट, किराए पे दे दी हुई चीज़ को कहते हैं डिमाइस प्रीमिसेस. एंड देन नाजर सबमिटेड हिज रिपोर्ट इन विच इट वाज क्लियरली मेंशन दैट यस देयर इज वाज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम ऑन द रूफ. रूफ पे टेनेंट ने एक कमरा बना लिया था. अब इस रिपोर्ट के बाद ये प्रूव हो गया कि टेनेंट ने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की थी. अब टेनेंट को इस चीज़ का तो कोई हक नहीं है ना कि वो किसी अगर किराए पे कहीं पे रह रहा है तो उस घर में अपनी मर्जी से कोई कंस्ट्रक्शन कर दे. अगर कोई अब कमरा बनाना छत पे तो एक बड़ी एक है उसमें मॉडिफिकेशन या कंस्ट्रक्शन. छोटी मोटी माइनर कंस्ट्रक्शन तो हो वो फिर परमिशन विद द लैंडलॉर्ड, मालिक के मकान की परमिशन से तो आप कर सकते हैं, विदाउट हिज परमिशन नहीं कर सकते. यानी वो फिर इस केस में क्या हुआ, लैंडलॉर्ड की जो बात थी वो साबित हो गई एंड द कोर्ट ऑर्डर्ड इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट फ्रॉम द डिमाइस प्रीमिसेस. यानी किराएदार को घर से निकाल दिया गया और घर लैंडलॉर्ड के हवाले कर दिया गया. थैंक यू.